दोस्तों, हिंदू धर्म में मांस खाना मना है या नहीं, इस संबंध में कई लोगों के मन में भ्रम होता है। शाकाहारी भोजन को हिंदू धर्म में अति उत्तम माना गया है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में मांस खाने को लेकर क्या कहा गया है, आज के इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको जानकारी हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर कि क्या हिंदू धर्म में मांस खाना मना है या नहीं। दोस्तों, सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि वेद ही हिंदू धर्म के प्रमुख धर्म ग्रंथ हैं। वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार भगवत गीता है। यहाँ तीनों का मत हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, वेदों में मांस खाने के संबंध में स्पष्ट मना किया गया है। वेदों में पशु हत्या पाप मानी गई है। वेदों में कुछ पशुओं के संबंध में तो सख्त अनुदेश अर्थात हिदायत दी गई है। ऋग्वेद में कहा गया है कि जो मनुष्य नर अश्व अथवा किसी अन्य पशु का मांस का सेवन कर उसको अपने शरीर का भाग बनाता है, गौ की हत्या कर अन्य जनों को दूध आदि से वंचित रखता है, हे अग्नि स्वरूप राजा, अगर वह दुष्ट व्यक्ति किसी और प्रकार से ना सुने तो आप उसका मस्तिष्क शरीर से विदारित करने के लिए संकोच मत कीजिए। अब बात करते हैं कि भगवत गीता के अनुसार क्या कहा गया है हिंदू धर्म में मांस खाने को लेकर। दोस्तों, भगवत गीता में मांस खाने या नहीं खाने के उल्लेख के बजाय अन्न को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है सत्व, दूसरा है रज, तीसरा है तम। भगवत गीता के अनुसार अन्न से ही हमारे मन और विचार बनते हैं। जो मनुष्य सात्विक भोजन ग्रहण करता है उसकी सोच भी सात्विक होगी। अतः सात्विकता के लिए सात्विक भोजन, राजसिकता के लिए राजसिक भोजन और तामसिक कार्यों के लिए तामसिक भोजन होता है। यदि कोई सात्विक व्यक्ति तामसी भोजन करने लगेगा तो उसके विचार और कर्म भी तामसी हो जाएंगे। मांस दो तरह के होते हैं, राजसिक और तामसिक। उसको पचाने के तरीके से भी उसकी श्रेणी तय होती है। संतों, ब्राह्मणों और धर्म के कार्य में कार्यरत लोगों को सात्विक भोजन करना चाहिए, लेकिन युद्ध कीड़ा और भयंकर कर्म हेतु लोगों को राजसिक भोजन करना चाहिए। हालांकि तामसिक भोजन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भोजन राक्षस, पिशाच और असुरों का भोजन होता है। तामसिक भोजन में अच्छे से नहीं धोया गया मांस, बासी भोजन, खराब भोजन, बहुत तीखा और मसालेदार भोजन इत्यादि आते हैं। अब बात करते हैं सुश्रुत संहिता के अनुसार कि हिंदू धर्म में मांस खाने को क्या कहा गया है। दोस्तों, आयुर्वेदज्ञ सुश्रुत अनुसार रोगोपचार में शरीर की पुष्टि हेतु कभी कभी मांसाहार करना जरूरी होता है। सुश्रुत संहिता के अनुसार मांस, लहसुन और प्याज औषधीय है। औषधि किसी बीमारी के इलाज हेतु होती है, आपके जीवा के स्वाद के लिए या इसका नियमित सेवन करने के लिए नहीं होती है। आज भी मछली का तेल सांप के जहर से अनेकों औषधि का निर्माण होता है। इसी तरह बकरे की हड्डी के रस और खरगोश के खून का भी औषधीय उपयोग होता है। इनके उचित सेवन से रोग नष्ट होते हैं। इस तरह यह देखा गया है कि किसी विशेष रोग में कुछ पशुओं के मांस, हड्डी या अन्य अंगों का उपयोग होता है। अब बात करते हैं पशु बलि प्रथा के बारे में। दोस्तों, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि का प्रयोग किया जाता है। बलि प्रथा के अंतर्गत बकरा, मुर्गा या भैंसे की बलि दिए जाने का प्रचलन है। हिंदू धर्म में खासकर मां काली और भगवान काल भैरव को बलि चढ़ाई जाती है। विद्वान मानते हैं कि हिंदू धर्म में लोक परंपरा की धाराएं भी जुड़ती गई और उन्हें हिंदू धर्म का हिस्सा माना जाने लगा। दरअसल बलि प्रथा कभी भी हिंदू धर्म की देन नहीं है। बलि प्रथा का प्रचलन हिंदुओं के शाक्त और तांत्रिकों के संप्रदाय में ही देखने को मिलता है, लेकिन इसका कोई धार्मिक आधार नहीं है। शाक्त या तांत्रिक संप्रदाय अपने शुरुआत में ऐसे नहीं थे, लेकिन लोगों ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कई तरह के विश्वास को उक्त संप्रदाय में जोड़ दिया गया। पशु बलि की यह प्रथा कब और कैसे प्रारंभ हुई कहना कठिन है, लेकिन इतना तो तय है कि यह वेद, गीता, उपनिषद या पुराणों की देन बिल्कुल नहीं है।
दोस्तों, अंततः आपके सामने दो मार्ग हैं। पहला है आत्मा का मार्ग और दूसरा है शरीर का मार्ग। यदि आप आत्मा के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन में सात्विक भोजन, गुण और कर्म को अपनाने की जरूरत होगी। यदि आप सांसारिक मार्ग पर चलकर शरीर को पुष्ट करना चाहते हैं, तो आपको तय करना है कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। हालांकि हिंदू धर्म मांसाहार खाने की सलाह या अनुमति कभी नहीं देता है। खासकर हिंदू धर्म में अश्व, नर, गाय, स्वान, सर्प, सुअर, शेर, गज और पवित्र पक्षी हंस आदि का मांस खाना घोर पाप माना गया है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।